हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। हम हैं वो जो देते हैं आपको कंटेंट दैट मैटर्स। आज हम जिस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है एनीमोमीटर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनीमोमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर दिखता कैसे है और वर्क कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनीमोमीटर होता क्या है। अब देखिए, एनीमोमीटर भी एक एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट है। एक एनीमोमीटर जो है वो भी दो शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द है एनीमो और दूसरा शब्द है मीटर। एनीमो का मतलब होता है विंड। ये एनीमो कहां से आया? एनीमो, द टर्म एनीमोमीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एनीमोस विच मींस विंड। एनीमोमीटर में जो वर्ड एनीमो है ये ग्रीक वर्ड एनीमोस से आया है जिसका मतलब होता है विंड, ठीक है। और मीटर, हमें पता है क्या होता है मीटर? किसी भी मेजरिंग डिवाइस, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कुछ मेजर करता हो उसे हम मीटर कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं मीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था हमारा जिसमें हमने एनीमोमीटर की टर्मिनोलॉजी को समझा कि एनीमोमीटर किस वर्ड से डिराइव हुआ है, किस वर्ड से आया है। अब देखिए एनीमोमीटर का वर्क क्या है। एनीमोमीटर मेजर्स वेलोसिटी ऑफ विंड और एयर। ये एक इसका इंपॉर्टेंट वर्क है कि एनीमोमीटर का यूज हम विंड या एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक। और दूसरा इसका वर्क क्या है? दूसरा वर्क है स्पीड ऑफ द विंड। हमें विंड की स्पीड का पता चलता है कि विंड की कितनी स्पीड है। अब देखिए यहां वेलोसिटी का यूज हो रहा है, यहां स्पीड का यूज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी में हम दो चीजें मेजर करते हैं, दो चीजों का पता लगाते हैं। सबसे पहला तो मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज कि जो विंड की डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है। और स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता लगाते हैं, डायरेक्शन का नहीं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर को हिंदी में हम सदिश राशि कहते हैं और स्पीड को हिंदी में हम अदिश राशि कहते हैं। तो ये आपको तीसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। चौथा पॉइंट है इट इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड। अब देखिए ये तो वही ऊपर वाला पॉइंट मैंने यहां पर रिपीट कर दिया है कि वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये भी हो गया। अब देखिए ये फिफ्थ पॉइंट, इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ विंड। और सिर्फ विंड ही नहीं, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए भी हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। तो यहां विंड को स्लैश लगा के हम एयर भी लिख सकते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि एनीमोमीटर वेलोसिटी ऑफ विंड मेजर करता है, स्पीड ऑफ विंड मेजर करता है और विंड या एयर कि प्रेशर कितना है उसको भी मेजर करता है, ठीक है। और अगला मेन पॉइंट जो हम एनीमोमीटर का यूज इंडस्ट्री में करते हैं वो इसी पॉइंट्स के को बेस मानकर करते हैं कि इट इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ द विंड और एयर। एयर या विंड की क्वालिटी क्या है उसको चेक करने के लिए भी हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं, ठीक। अब ये देखिए अगला पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ विंड। इट इज यूज टू मेजर और चेक द डायरेक्शन ऑफ विंड कि किस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है। वो मैंने अभी यहां पर एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम वेलोसिटी निकालेंगे विंड की तो हम उसमें डायरेक्शन भी साथ साथ निकाल लेंगे कि विंड या एयर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब इट इज यूज टू चेक द रेट ऑफ फ्लो ऑफ विंड और एयर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ का विंड का मतलब क्या है कि पर यूनिट टाइम कितनी अमाउंट ऑफ विंड फ्लो हो रही है। या हम अगर इसको लिखें विंड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो हम इसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ विंड कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है इट इज यूज्ड टू रीड द पैटर्न ऑफ वेदर। अब एनीमोमीटर का यूज हम वेदर पता करने के लिए भी करते हैं कि क्या बारिश होने वाली है, अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो क्या तूफान आने वाला है, हवा धीमे चल रही है या ह्यूमिडिटी कितनी है,
एयर में मॉइस्चर कितना है, उसको भी हम एनीमोमीटर की हेल्प से पता कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एनीमोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द एयर फ्लोइंग फ्रॉम अ हीटिंग डिवाइस, एयर कंडीशनिंग डिवाइस और वेंटिलेशन डक्ट्स, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे हीटिंग डिवाइस एक तरीके से अगर आप हीट पंप कह लो, ठीक है, एयर कंडीशनिंग डिवाइस जैसे एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर या फिर एसी, ठीक है, और वेंटिलेशन डक्ट मतलब है कि जैसे चिमनीज, है ना, तो ये भी एक तरीके की वेंटिलेशन डक्ट होती है। तो आपने चिमनी लगी देखी होगी पावर प्लांट में, आपने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग अपने घर में भी देखा होगा, एसी घर में भी देखा होगा, और हीटिंग डिवाइसेस जैसे हीट पंप, ये भी आपने इनके बारे में अगर देखा नहीं होगा तो पढ़ा जरूर होगा। तो ये जो एयर रिलीज करते हैं, एग्जॉस्ट जो होता है उसकी क्वालिटी मेजर करने के लिए भी हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। जैसे अब अभी हम आगे समझेंगे कि हम कैसे मेजर करते हैं कि क्या क्वालिटी है एयर की जो इसमें से निकल रही है, ठीक है। तो ये हमने अभी समझा कि एनीमोमीटर क्या होता है और क्या क्या वर्क कर सकता है, क्या क्या फाइंड कर सकता है। अब देखते हैं एनीमोमीटर कितने टाइप के होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ एनीमोमीटर, एक सेकेंड, अब देखिएगा दो तरीके के एनीमोमीटर के टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है, सबसे पहला जो टाइप है वो है मैकेनिकल एनीमोमीटर और दूसरा जो टाइप है वो है रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर। अब देखिए ये हैंडली यूज्ड, हाथों से भी यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड बाय हैंड्स, और ये आपने देखा होगा जो वेदर डिपार्टमेंट होता है, मॉनसून डिपार्टमेंट होता है, उनकी छतों पर ये लगे रहते हैं एनीमोमीटर, ठीक है। और आपको पता है हमने अभी पीछे पढ़ा कि वेदर कंडीशंस को पता करने के लिए भी हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं, तो इसीलिए इनका यूज वेदर डिपार्टमेंट में किया जाता है। अब ये मैकेनिकल एनीमोमीटर है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखें तो इनका यूज वहां पर किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी मैं आपको बताता हूं। पहले इस फिगर को देख लीजिए अच्छे से, अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनीमोमीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे दिखता है। तो दिखने के लिए देखिए ये सामने मैकेनिकल एनीमोमीटर रखा हुआ है, आप इसे हाथ में पकड़ के भी यूज कर सकते हो, जैसे आप बाकी जैसे आप क्लैंप मीटर को यूज कर सकते थे, ठीक है। ये इसमें फैन लगे होते हैं, फैंस, ठीक है, और ये आप देख पा रहे होंगे ये मीटर है, ये कुछ बटन्स लगी हुई है ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, और ये है आपका शैंक कह लीजिए पकड़ने के लिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, अब इसको यूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए कोई चिमनी है किसी पावर प्लांट की, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ये चिमनी है पावर प्लांट की, ठीक है, जो भी पावर प्लांट में गैसेस रिलीज हो रही हैं वो इसी चिमनी से होते हुए बाहर जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरीके का ड्रॉट है, ड्रॉट मैं अभी किसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि ड्रॉट क्या होता है। और यहां पर बीच में कहीं जैसे ये चिमनी है, तो इस चिमनी में यहां पर एक डक्ट बनी होती है जिस डक्ट से आप एयर की क्वालिटी मेजर कर सकते हो। तो जो भी हमारा ऑपरेटर है, सुपरवाइजर है या इंजीनियर है, वो इस मैकेनिकल एनीमोमीटर को हाथ में पकड़ के इस डक्ट के पास आता है, और जब गैस रिलीज हो रही होती है, एयर रिलीज या विंड रिलीज हो रही होती है, तब इस एनीमोमीटर को इस डक्ट के सामने रख देता है, ठीक है। जैसे इस डक्ट के सामने रखता है एनीमोमीटर, तो ये जो पंखा है, ये जो फैन है, ये घूमने लग जाता है बहुत हैवी स्पीड से। वो डिपेंड करे स्पीड, इस रोटेशन स्पीड इसकी डिपेंड करेगी कि कितने
तेजी से एयर निकल रही है बाहर, एयर का प्रेशर कितना है, ठीक है, और जैसे ये फैन रोटेट होता है तो एयर की क्वालिटी, एयर की वेलोसिटी, एयर की स्पीड, एयर का प्रेशर, ठीक है, वो सब आप इस मीटर में शो कर सकते हो, मतलब इस मीटर में आप देख सकते हो। तो ये मैकेनिकल एनीमोमीटर था जैसे मैंने आपको बताया, और सिर्फ यहाँ चिमनी में ही नहीं, आप जैसे एयर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग है RAC, इसमें भी जो डक्ट्स होती हैं उनके पास अगर आप ये डिवाइस लेके चले जाओ और उन डक्ट्स के सामने इसको होल्ड कर थोड़ी देर रख के रहो, तो इसमें जो आपको रीडिंग मिलेगी वो रेफ्रिजरेशन से निकलने वाली जो मान लीजिए गैस का लीकेज हो रहा है तो आप उसे भी इससे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप मेजर कर सकते हो इसको। और किस में हमने बताया था अभी पीछे, हमने इसमें हमने बताया था आपको हीट पंप में, हीट पंप से जो एयर या गैस रिलीज हो रही है, हॉट एयर रिलीज हो रही है, उसका भी प्रेशर, उसकी भी वेलोसिटी, उसकी भी क्वालिटी आप इस एनीमोमीटर, मैकेनिकल एनीमोमीटर से मेजर कर सकते हो। देखिए अब जो भी आपको इससे रीडिंग मिलती है वो रीडिंग फ्लक्चुएट करती रहती है, फ्लक्चुएट करने का मतलब है क्योंकि ये फैन रोटेट तभी करेगा जब इससे एयर स्ट्राइक करेगी, टकराएगी। तो एयर अगर बहुत स्पीड से टकरा रही है तो ये फैन तेज घूमेगा, लेकिन अगर एयर बहुत स्पीड से नहीं टकरा रही है तो इसकी स्पीड धीमी हो जाएगी। तो अगर इसी चिमनी की हम बात करें तो कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी आती होंगी कि जब एयर का फ्लो बहुत तेज होता होगा, और कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी आती होंगी जिसमें एयर का फ्लो बहुत धीमे हो जाता होगा, ठीक है। तो हमें फ्लक्चुएट करती हुई रीडिंग इस मीटर में दिखती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक मिनिमम रीडिंग लेते हैं, कि हमें मिनिमम क्या रीडिंग मिली है, वेलोसिटी की, स्पीड की, प्रेशर की, है ना, और एक हम ले लेते हैं मैक्सिमम रीडिंग। तो हमें इन दोनों रीडिंग से पता चल जाता है कि रेंज क्या है, ठीक है, मतलब कि जो हमारी हमें जो मेजर्ड क्वांटिटी मिल रही है उसकी रेंज क्या है मिनिमम से मैक्सिमम। तो हमें पता चल जाता है कि इसी रेंज के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि क्या क्वालिटी है एयर की, क्या उसका टेम्परेचर हो सकता है, क्या उसकी प्रेशर हो सकती है, क्या वेलोसिटी हो सकती है ना। तो ये था मैकेनिकल एनीमोमीटर। अब समझते हैं रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर को। ये सबसे पहले डिस्कवरी इसी की हुई थी। अगर मैकेनिकल एनीमोमीटर और इसमें कंपेयर करेंगे तो ये पुराना है, मैकेनिकल एनीमोमीटर नया है। इसमें क्या होता है, ये आपका स्टैंड है, ये शाफ्ट है जो रोटेट कर सकती है, कैन रोटेट, ठीक है, और ये हेमिस्फेरिकल कप लगे हुए हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अगर ये मॉनसून डिपार्टमेंट या वेदर डिपार्टमेंट की छत पे लगा हुआ है तो ये वर्क कैसे करेगा, अब समझिएगा, जैसे ही एयर इस पे स्ट्राइक करती है तो ये या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगता है। तो अगर हमें निकालना है कि एयर की स्पीड कितनी थी, ठीक है, तो हम इसके रोटेशन पर मिनट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ विंड इन टर्म्स ऑफ RPM of Robinson cup anemometer, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, मेरी नीचे क्लिप में देखिएगा, अगर मैं ऐसे करके इसको होल्ड कर लेता हूं एनीमोमीटर को, इसी रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर को, ठीक है, और मैं किसी एक हेमिस्फेरिकल कप में फोकस करता हूं, और मान लीजिए वो कप मेरी तरफ है, इस तरफ मेरी तरफ है, ठीक है, और उसके बाद एयर स्ट्राइक करी अगर इस एनीमोमीटर पे, तो क्या होगा कि एनीमोमीटर, मान लीजिए एयर की डायरेक्शन ये है, तो एनीमोमीटर इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगा। तो उस रोटेशन की वजह से अगर मैं उसी कप को ध्यान दूं कि एक मिनट में वो कप मेरे सामने से कितनी बार होकर गुजरा है, ठीक है ना, एक मिनट में जिस कप में मैं देख रहा था वो कप मेरे सामने से कितनी बार होकर गुजरा है, अगर हम वो रीडिंग रिकॉर्ड कर लें, जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने से जो जिस कप में मैं फोकस कर रहा था वो एन टाइम्स गुजरा है,
ठीक है, कितने मिनट में, एक मिनट में।